गुदगुदी करना बंद करो। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से। आह, क्या किया तुमने अभी ये? मेरी मदद करो। हम क्यों करें, तुम हमारे स्कूल के नहीं हो। अबे थकेले, मैं ही तेरे को एक बढ़िया लाइफ दे दूंगा, क्या बोलता है? वो फिर से मेरे भाई को धमका रहे हैं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। यही तुम्हारी सही जगह है। अरे ये तुम्हारी बूढ़ी बहन आ गई। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या? चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी बहन मुझे बचा लेगी। वो तुम्हें नहीं बचाएगी। तुम्हें मुझ पे शक है? गुड लक यहाँ की बेवकूफों। ये क्या किया तुमने? मछली। ये क्या, ये पिराना है? किटी, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे गले क्यों लगाया? तुम्हें पता है ना, मुझे गले लगना अच्छा नहीं लगता। तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो मेरी बहन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मछली सच में काटती है? नहीं, वो नहीं काटती। एलिस और हैरी सिर्फ बेवकूफ हैं। मेरी आंखों की रोशनी, मेरे प्रेम की देवी, सबसे शानदार औरत। या आई लव यू माई टाइगर। बकवास, मैं बीमार होने वाली हूँ। ओ बेटा, क्या तुम यहाँ पर हो? हाँ, मैं इस बकवास को पिछले 5 मिनट से देख रही हूँ। अरे पापा, किटी ने मुझे फिर से बचाया और सभी को भगा दिया। यही तो मैं बात करना चाहता था। क्या चाहते हो आप? मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये तुम्हारा 20वां स्कूल है जिससे तुम्हें निकाला गया है। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा है। क्या क्या कहा आपने? माँ और मैंने फैसला किया है कि तुम हमारे पुराने स्कूल में जाओगी। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो बकवास है। केटी, इस बारे में कोई बात नहीं, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ जाएगा। कचरा नंबर दो। क्या बात है, हम लोग नए स्कूल में जाएंगे, क्या बात है। मेरी पीठ। हैरी, अभी अपने कमरे में जाओ, तुम और किटी अपना सामान पैक कर सकते हो। हो गई पैकिंग। बढ़िया, माँ और मैं तुम्हें वहाँ ले चलेंगे। ओह, उम्मीद है कि इसके नए स्कूल में सब ठीक रहेगा। बेशक, और हाथ उसके साथ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम किटी पर नजर रखोगे। वाह, ये क्या है, ये क्या था? ये क्या था? ये एक फायर शो है मेरे आने के सम्मान में। किटी, क्या ये तुम हो? कैसी हो तुम? मैं हमेशा ठीक ही होती हूँ। हमें अजीब बच्चों वाले स्कूल में तुम्हारा स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अगर यहाँ अजीब बच्चे हैं, तो क्या आप एक अजीब टीचर हैं? तुम ऐसा कह सकती हो। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूँगी। मेरा रूममेट कहाँ है? मैं उसका बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। केसी, वो यहाँ है, ये है किटी। अरे, मेरी रूममेट किटी, हम साथ रहने वाले हैं। लगता है तुम वहाँ नहीं होगी। वाह, तुम फीकी पड़ रही हो, क्या मैं नर्स बुलाऊं? मेरे स्किन का कलर ऐसा ही है। मैं बहुत खुश हूँ, सबसे अच्छा दिन है, मेरे पास एक अच्छा दोस्त होगा। केसी, किटी को पसंद नहीं कि कोई उसे गले लगाए। उप्स, सॉरी। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो केसी तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगी। मैं चाहती हूँ ये इंद्रधनुषी मुझे रास्ता दिखा दे, ताकि उसके बाद मैं यहाँ से जा सकूँ। तुम बहुत मजाकी हो, चलते हैं, चलो। लगता है ये मुश्किल होगा।
मेरे मम्मी और मेरे पापा देखें, उससे पहले मैं जितनी चाहे उतनी चॉकलेट खा सकता हूँ। यम 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 यम। क्या तुमने क्लास में नई लड़की के बारे में सुना? हाँ, मुझे उसे देखने में दिलचस्पी है। मेरी कैंडी, मेरी प्यारी कैंडी, पता है मैं इसी के लिए तो जी रहा हूँ। वाह, ये तो कमाल है। वैसे ये बड़ी आंखों वाला लड़का कौन है? मैं हैरी हूँ और स्कूल में नया आया हूँ, और मैं अपनी बहन के साथ अंदर आया। ओह, मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हारी बहन कैसी है। वो मुझसे बहुत रूड है, लेकिन मुझे वो पसंद है। ओह, चले जाओ, तुम्हारे दांत पूरे काले हैं। अरे हाँ, तुम भी खाओ ना कैंडी यार। तुम कितने घिनौने हो। मेरी मदद करो, मेरी पीठ में हाथ मारो। वाह, तुम घिनौने हो और मूर्ख भी। नहीं, मत करो। मुझे अजीब लोगों का मजाक बनाना बहुत पसंद है। मेरा मतलब है कि हमारे कमरे में आओ। ये तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे? क्या तुम्हें ये पसंद है? उम्मीद है मजाक कर रही हो, मैं ऐसे डॉल हाउस में नहीं रहने वाली हूँ। तुम ये ले सकती हो, तुम ये ले सकती हो, तुम कुछ भी ले सकती हो, मैं दूंगी। इस कचरे को तो तुम ही रखो। ओ, क्या तुम चाय पियोगी? मैं बनाऊंगी, फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे। ये जिसने भी सजाया है ना, बिल्कुल बेवकूफ है। क्या हम किचन में चले? ये क्या, कमरे को क्या हुआ? अब तुम अपने आधे हिस्से में रहोगी और मैं अपने आधे में। क्या किटी, तुम पागल हो क्या? रुक जाओ, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ओ, सच में? फिर मैं म्यूजिक सुनूंगी। म्यूजिक ऑन। उस म्यूजिक को इसी वक्त बंद करो, बंद करो। नहीं, मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, बंद करो। मेरे पंजे को मत छूना, और वैसे भी तुम मेरी तरफ हो, समझ में तो आ ही गया होगा। मुझे पहले ही स्कूल से नफरत थी, और अब मुझे तुमसे भी नफरत है। मुझे भी। हे, हाय जैक। क्या चल रहा है? क्या तुम्हें आज रात पार्टी के बारे में याद है? तो हे, क्या तुम सुन रहे हो? जैक, हेलो। हे, तुम्हें क्या चाहिए? दिखाई नहीं दे रहा, मैं बिजी हूँ। कितने घटिया हो। दोस्तों, मैं तुम्हें हमारे नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहती हूँ। वाह, वो कहाँ है? हम उसे देखने के लिए बेताब हैं। किटी, अंदर आओ किटी। अरे यार, मैं भाग नहीं सकी। यहाँ आओ जल्दी। ये किटी है, ये अब हमारी क्लास में होगी। क्या बकवास है, क्या आप सीरियस हो? ये तो कोई मम्मी या कुछ और लग रही है, स्टूडेंट नहीं। अपना मुंह बंद करो, वरना मैं तुम्हारी बोलती बंद करवा दूंगी। अब मुझे समझ आया कि उस बेवकूफ की बहन कौन है। टीना, शांत हो जाओ। तो मैं कुछ किताबें लाती हूँ, सभी अच्छा बर्ताव करेंगे। ये तुम क्या कर रही हो? ओह, ए लड़की, मेरी दोस्त को छोड़ दो, इसमें बहुत ताकत है। वाह, क्या लड़की है। मैं फिर से वॉर्न कर रही हूँ, मेरे भाई के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना अगर, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओह, ये काफी अजीब है, काश तुम यहाँ पर नहीं रहो। मेरी भी यही उम्मीद है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा पीछा कौन कर रहा है? कौन हो सकता है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। चीज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें मेरे मम्मी पापा ने भेजा है? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगी। नहीं किटी, ऐसा मत करना। तुमने बात करी? ये कैसे? हाँ, मैं बोलता हूँ,
और अब मैं बोलना चाहता हूँ कि बकवास चीजें मत करो। तुमने मेरी जासूसी की, तुमने सोचा मेरा पीछा करके मेरे मम्मी पापा को बताओगे? ये मेरी गलती नहीं है, मुझसे जो बोला जाता है वही करता हूँ। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, अब तुम मेरी सेवा करोगे, समझे? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किजी, मेरे ऑफिस में आओ अभी। चलो, लगता है अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मिसेस सिंडी, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप अनुभवी मनोवैज्ञानिक के रूप में किटी की मदद कर सकती हैं। ठीक है, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। मैं आ गई, क्या चाहिए आपको? अंदर आ जाओ। छुओ मत मुझे, आप मुझे परेशान करना चाहती हैं क्या? नहीं, क्या मतलब है? अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। बैठो किटी और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। अभी बता देती हूँ, आप है मेरी प्रॉब्लम। शायद तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कुछ चल रहा है। नहीं, मेरा दिमाग, ये मुश्किल है। मुझे भी यही लगता है। तुम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम दोनों जानते हैं कि मैं एक हफ्ते में वहाँ कंट्रोल कर लूंगी और अपने साइको दंगे शुरू कर दूंगी। केटी, ये जादू था। आउच! ये क्या है? ये क्या है? थैंक यू थिंग, शाबाश। केटी, रुको। आउच! ये बाय बाय, तेरे से मिलके अच्छा लगा रे। लौंडिया में तो दम ही नहीं। ये आईडी, तेरा उंगली टूट जाएगा रे। हाँ, तुम बात करते हो? तुम तो बात कर सकते हो। अरे वह मोरे लाने तेरे को। मैं दंग रह गया था, ताली दो। अरे इस उंगली को कहाँ कहाँ घुसाया था रे तूने? ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? आने का था तो आ गया। क्या तुम किटी का पीछा कर रहे हो? दिमाग ठिकाने तो है। क्या बोला रे मेरे को? अभी दिखाता है, चिमटी लेगा रे। मुझे छोड़ दो। ये सही है, यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। ये कैफे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह। ये भी डार्क है। आपका दिन अच्छा जाए। क्या बोल रहे हो? ये तो कितना भयानक दिन है, क्या ये समझना मुश्किल है? मेरा नाम नेट है, मैं तुम्हारा वेटर हूँ और मैं ऑर्डर लेने के लिए तैयार हूँ। चले जाओ यहाँ से, पत्ती सी दिखा के दिमाग खराब कर दिया, बेवकूफ। मुझे माफ कर देना। क्या हम स्कूल में कॉन्सर्ट कर सकते हैं? बड़ा मजा आएगा। ये तुम्हारे लिए है, ये अजीब सी डिश है हमारे अजीब से कैफे की तरफ से। लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। नहीं, ये तो तोहफा है। मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ये तो पागल है। लगता है मुझे चैन से कहीं सोचने नहीं मिलेगा। मैं स्कूल वापस जाऊंगी और फिर मैं सबसे बदला लूंगी। ये क्या है? चिल्ला मत, मैं बस एक हाथ है। एक हाथ? बात करने वाला हाथ? आइटम डर गए लिए रे। हाथ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अब उनका बड़ा हाथ देख के डर गए रे। ओए, ये किटी की रूममेट है। ए, उठ जा, कितना सोएगी? क्या तुम भेड़िया हो? लगभग, लेकिन मैं अभी बदल नहीं सकती। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? हाथ का क्या? अरे ये हमारा फैमिली मेंबर है, एक आवारा हाथ। तो अपना हाथ लो और जाओ। अच्छा सुनो, तुम तो यहाँ काफी समय से हो, क्या तुम मेरे होमवर्क में मदद कर दोगी? मैं ये कर सकती हूँ, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। थैंक यू। नेट, देखना तुम्हें ये हमारा स्कूल बहुत पसंद आएगा। हाँ, मेरे यहाँ पर आने की एक खास वजह है। और वो क्या है? जाहिर है इसके लिए। हाय, मैं तो तुम्हें याद हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ूंगा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अरे नहीं, मैंने बहुत पहले का एडमिशन ले लिया था। मुझे परवाह नहीं है। किटी से दूर रहना वो मेरी है, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते। उसने तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं निकाला? हाँ, हमने पहले ही जश्न मना लिया और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ?
बच्चों, मैं देख रही हूँ कि आप हमारे नए स्टूडेंट से मिले हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कूल में एक राक्षस है, प्लीज सावधान रहे। कैसा मॉन्स्टर? वो कभी कभी स्कूल आता है, उसे किसी ने नहीं देखा। याद रखो, बेवकूफी भरी बातें मत करना। मुझे लगा कि यहाँ पर राक्षस किटी है, उसका चेहरा हमेशा बदसूरत होता है। तुम्हारे पास 2 मिनट है अपना मुंह बंद करने के लिए। टीना, चलो चलते हैं, हमें इन पागलों के साथ नहीं रहना। मैं इस स्कूल को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं इसे बर्बाद न कर दूं। हे किटी, मैं तुम्हें थोड़ा सा और जानना चाहता था। तुम गलत जगह आए हो, मैं लोगों को जानना नहीं चाहती। वैसे तुम्हें गुलाब कैसे लगते हैं? इससे बुरी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। बड़ा अजीब है, पिछली बार जब मैंने किसी को रोज दिया था वो तो इम्प्रेस हो गई थी। मेरे ख्याल से अब ये गुलाब अच्छा दिख रहा है। अच्छा ठीक है, शायद तुम बात करने के मूड में नहीं हो, मैं किसी और दिन आऊंगा। ठीक है, या बिल्कुल भी वापस मत आना। तुम कौन हो? चुप रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं खुद भी एक राक्षस हूँ। क्या मेरा बचना गलत था? क्या मुझे इंतजार करना चाहिए था? काश वो मुझे सच में खा जाता। किटी, मुझे लगा कि मैंने कोई आवाज सुनी। तुम चीजों को इमेजिन कर रही हो। अजीब है, मुझे लगा तुम किसी राक्षस को पकड़ रही हो। शायद मैं पकड़ लूंगी। ओह ये बेकार है, उसे कभी कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये तो हम बाद में देख लेंगे। बेस्टी कहाँ थी? मैं तो तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी। तुम मुझे अपनी बेस्टी क्यों बोल रही हो? क्योंकि हम एक ही कमरे में रहते हैं, हम जोक्स वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बताओ, बेशक। अगर तुम अपने बाल बचाना चाहती हो तो मेरी सलाह मानो और मेरे आसपास मत आओ। किटी, हमारी स्कूल में एक पार्टी होने वाली है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया, मुझे कुछ सांप और कॉकरोचेस खरीदने होंगे। मैं तो तुम्हें पार्टी में इनवाइट करने आया था। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं आऊंगी तो सब लोग मुझे जाने के लिए कहेंगे। तो क्या तुम पार्टी में आ रही हो? सुपर। अब मैं सबको दिखाऊंगी। बढ़िया। होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना है। टीना, होमवर्क है? इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं भूल गई, मैं सब भूल गई। ओह, मुझे याद आया। तुम सब कितने अजीब हो, इस स्कूल में सिर्फ मैं ही अजीब हो सकती हूँ, ठीक है? सुनो, इस सवाल का जवाब बताओ। अब मिलकर पार्टी करते हैं। चीयर्स। नहीं जैक, आओ हमारे साथ नाचो। नहीं, मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी और का इंतजार करो, समझे? आखिर एक पार्टी, या मैं एक महीने से इंतजार कर रही हूँ। कोई इस अजीबोगरीब से छुटकारा दिलाओ। चलो सब लंबाड़ा करते हैं। किटी कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरी दोस्त को तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। तुमने इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से ली? मैं चाहती हूँ कि हर कोई मुझे याद रखे। किटी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं, किटी सिर्फ मेरे साथ डांस करेगी, ठीक है? वाह 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 वाह, शानदार। मैं अकेले ही डांस करना पसंद करूंगी। अच्छा, ये मेरी दोस्त रूममेट है।
आ? बिल्कुल कचरा। ये मेरी दादी की तरह डांस करती है। प्लीज अब कोई तालियां मत बजाने लगना। हाँ? तो राक्षस इनमें से एक है, मुझे पता लगाना होगा। किटी लगता है मैं भी तुम्हारा डांस कर सकती हूँ। किटी रुको, क्या ये इतना बुरा है? मुझे कैंडी की बहुत जोरदार खुशबू आ रही है। क्या बात है, कैंडी मेरी कैंडी। बहुत समय हो गया, खाने तो दो। पकड़ लिया गंदे छोटे लड़के। कैंडी खाओगी आंटी? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करने आई हूँ। अरे बताओ ना आंटी, खाओगी कैंडी? रुको मैं जरा लिपस्टिक लगा लूँ। ये कौन सा फ्लेवर है? ये क्या है? तुम अपने भाई को फिर कभी नहीं देख पाओगी। साइंड राक्षस। क्या किची, तुमने इतनी जल्दी पार्टी क्यों छोड़ दी? मुझे लगता है कि मेरे भाई को राक्षस ने किडनैप कर लिया है। क्या सच में? ये भयानक है, हमें इसकी तलाश करनी चाहिए। नहीं, क्यों? क्या ये तुम्हें लगता है राक्षस उसे कुछ करेगा? हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हे भगवान, ये भयानक है, हम कुछ करते हैं, हम उसे वहीं नहीं छोड़ सकते। वो हाथ कहाँ पर गया? कुछ तो दिलचस्प हो रहा है। चलो जल्दी करो। जल्दी? पार्टी बिल्कुल बकवास थी। हाँ, सब किटी की वजह से। नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरा भाई कहाँ है? हमें कैसे पता होगा? कोई शायद उसे हमेशा की तरह धमका रहा हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे परेशान करने के लिए तुमने उसको किडनैप किया है। मुझे कोई परवाह नहीं है, समझे? बस उसे वापस कर दो। चली जाओ, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। ओ हैंड, क्या तुम यहाँ पर हो? ये पार्ट बहुत पसंद है। टीना, हम क्या करें अब? हमें उस अजीब चीज को यहाँ से बाहर फेंकना होगा। आ, 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 ये रहा। पकड़ो उसे। सीरियसली, इन लड़कियों के पास जरा भी दिमाग नहीं है। ईवा, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? तुम ही मुझसे टकरा रही हो और अब तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। चलो यहाँ से चलते हैं। केसी अभी भी लड़कों के कमरे में है, मुझे वहाँ चेक करना है। मजा आया क्या रे छमिया? इतना भयानक है, मुझे किटी से नफरत है। हैरी, क्या तुम यहाँ हो? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो बाहर निकलो। बहुत बदबू आ रही है, क्या ये लड़के अपनी चीजें बिल्कुल नहीं धोते? मैं तुम्हें एक और बार नहीं बोलूंगा। अरे नहीं, मुझे छिपकर सुनना चाहिए, शायद उन्होंने हैरी को किडनैप कर लिया हो। किटी सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, समझे? हाँ हाँ हाँ, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, खोचो। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, समझे? किटी मेरी है। ये दिलचस्प है, वे दोनों किटी के प्यार में है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं किटी के लिए आया हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम समझ गए? वो भी एक राक्षस है, मैंने जोर से कहा है ना। अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं खो गई थी और इसीलिए मैं कमरों में भटक गई। तुम क्या जानबूझ के हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से। क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी तरह की कोई खबर मिली? दो खबरें हैं और पहली तो ये है कि दो मूर्ख तुम्हें पसंद करते हैं। ये तो मुझे पहले से पता था। और दूसरी खबर ये है कि
पेट एक राक्षस है। उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए आया है और उसे कुछ भी नहीं रोक सकता। शायद उसने तुम्हारे भाई का किडनैप कर लिया है। उसे सजा मिलेगी। मैं कहां पर हूँ? ये सब क्या है? केसी? किटी? नहीं, टिंकी और विंकी, हम बेवकूफ हैं। कितना बढ़िया है फानी किटी। शांत हो जाओ। वैसे तुमने मुझे बांध के क्यों रखा है? क्योंकि तुम एक राक्षस हो, तुमने किटी के भाई को किडनैप किया। क्या? मॉन्स्टर? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। तुम हमारे क्लास में आए तभी ये राक्षस स्कूल में भी पता लगा। क्या तुम सब पागल हो? मुझे कैसे पता होगा? किटी, मुझे बात करने दो। केसी, सबसे ज्यादा तो मुझे तुमसे ही डर लगता है। बढ़िया है। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। तुम कबूल क्यों नहीं करते कि हैरी कहाँ है? हाँ, क्या ये मैं थी? मैं तो कभी नहीं मुस्कुराती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, ये वो नहीं है, ये राक्षस नहीं है। राक्षस कौन है? कौन है? केसी, तुम राक्षस हो, ये मैंने अभी अभी देखा। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम ऐसा कर रही हो। अगर तुमने मेरे भाई को वापस नहीं किया तो समझ लो तुम खत्म। ओह अच्छा, तो तुम मुझ पर नाम लगा रही थी ना? तुम खुद ही हो एक मॉन्स्टर। मैं एक राक्षस कैसे हूँ? मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? ये रो मत रे कैसी। मुझे खुश होना चाहिए। तुम्हारी किटी ने कहा कि मैंने हैरी का किडनैप किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप उनका मालूम है वो मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये तेरे को पता है, किटी का स्क्रू ढीला है, कभी भी वो कुछ भी करती है। मुझे शांत करने के लिए शुक्रिया, तुम कमाल के हाथ हो। ये शुक्रिया, आप उन तो ये जानते है। अब मैंने एक दोस्त खो दिया। मुझे अपने भाई को ढूंढना होगा, उसके बाद मैं केसी से निपटूंगी। ये कैंडी तो मेरे भाई को बहुत पसंद है। हैरी, वो यहाँ है। अरे प्यारी किटी, ये तुम हो क्या? मुझे इस राक्षस ने बंद कर लिया है और इसे कैंडी भी नहीं चाहिए। तुम बेवकूफ भरी कहानियाँ मुझे बाद में सुनाना, अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। ओए, ये दरवाजा तो खुला पड़ा था। मैं समझी नहीं, क्या तुम पूरा दिन यहाँ खुले दरवाजे के साथ बैठे रहे? अरे यार, ऐसी बात नहीं है, जेब में बहुत सारी कैंडी थी तो खाने में ही सारा ध्यान चले गया। चलो चले यहाँ से। सुनो किटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन सिर्फ सपनों में। अरे मारी भैया, ये क्या देख लिया? तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। किटी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अंगूठी? मैंने कहीं देखी है। केसी, तुम राक्षस नहीं हो तो फिर कौन है? लेकिन मैंने तुमसे कहा था। मेरे साथ आओ फिर। और सॉरी, मुझे लगा था कि तुम ही शायद राक्षस हो, मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, तुमने मुझे गले से लगाया। ये जश्न मनाने का टाइम नहीं, वो राक्षस हमारा इंतजार कर रहा है। खत्म करने का समय है। टीना, चलो कुछ करते हैं, जल्दी करो। अरे ये राक्षस नहीं, ये मैं हूँ। कौन? क्या मिसेस अनीता? आप राक्षस हो? मैं जान गई हूँ कि राक्षस कौन है। किटी, हेलो प्यारी बिटिया। मम्मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें याद कर रही थी। आप इसमें राक्षस से ही बात कर रही हैं मम्मी? हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैंने मिसेज अनीता से टीम में शामिल होने में तुम्हारी मदद करने को कहा। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और तुम्हें बुरे सपने भी बहुत पसंद हैं। मुझे लगता है मैंने ज्यादा कर दिया, राक्षस में बदलना एक बुरा आइडिया था।
मतलब क्या कुछ भी सच नहीं था? और मेरे विजन के बारे में क्या? डार्लिंग, तुम अपना पेंडेंट भूल गई थी, इसलिए तुमने झूठ देखा। और इसी वजह से मैं घर जा रही हूँ। मैं स्वर्ग में हूँ। हे हैरी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ भाई? ये सारी कैंडी मेरी है, तुम लोगों की नहीं है। हमें तुम्हारी बहन किटी के बारे में जानना है, हमें सब कुछ बताओ अभी। देखो मुझे तुम लोग छूना मत, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सच्ची मुझे कुछ मत करना प्लीज। ये तो साला बड़ी जल्दी मान गया। कहीं ज्यादा बदबू तो नहीं आ रही? ओ नेट, चलो यहाँ से चलते हैं। सही लाइन होगी ना? मैं तंग हो गई। ओह सॉरी, मैं सच कह रही हूँ। अंदर आओ। मैं खो गई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर से करो। ये तुम्हारे लिए। मैं नहीं। तुम्हें नहीं बोला था। Hey, Kitty, कैसी हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे घुटना टूट जाएगा। देखो मेरे जेब में बहुत सारी कैंडी थी तो मेरा ध्यान वहाँ नहीं था। बेवकूफ। Kitty, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? सुनकर दुख हुआ।